दोस्तों ये प्रिंटेड कोबरा है। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत इस वीडियो में। दोस्तों सूचना मिली और जौनपुर सिटी से 25 किलोमीटर की दूरी पर आ चुका है दोस्तों। तो अपने फर्ज को निभाते हुए फिर से एक बार मेजबान को बचाते हुए मैं मुरली वाले हौसला आपके सामने आ चुका हूँ। तो चलता हूँ दोस्तों, निकाल के दिखाता हूँ कि सांप कौन सा है। नजर जमाए रखिएगा क्योंकि ऐसे में तो खतरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दोस्तों लेते हैं 2 मिनट का वक्त। लेकिन दोस्तों बात यह है कि यहाँ के लोग भी जीवों के बचाने के बड़े शौकीन और बड़े ही प्रेमी हैं। तो ऐसे में इन मेज़बानों को निकालते हैं, आपको दिखाते हैं। 2-4 मिनट का वक्त लेते हैं दोस्तों। बदलते मौसम में सांपों का निकलना तो लाजमी है। आइए प्लीज़ कम। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं जहाँ पर इंसान रहता है वहीं पर दोस्तों अपने आसियाने को बना के रखता है। तो ऐसे में दोस्तों खतरा तो हमेशा बना रहता है जीवन के साथ। तो दोस्तों चलते हैं दोस्तों, इसको हटाते हैं, नजरें जमाए रखिएगा। तो दोस्तों ये है स्पेक्टिकल कोबरा। बात ये है दोस्तों कि इंसानों के बीच में भी ये सांप रहता है। जब भी इसके साथ कोई छेड़छाड़ होता है, कोई बदतमीजी होती है, तभी किसी को भी ये खतरा पहुंचाता है, नहीं तो नहीं दोस्तों। और आप ये देख सकते हैं दोस्तों, इसी को इंग्लिश में स्पेक्टिकल्ड कोबरा, इसी को नाग और इसी को फिटार, बहुत से सारे नामों से ये जाना जाता है। दोस्तों इसके साथ जब भी कोई छेड़छाड़ होता है, कोई बदतमीजी होती है, तभी किसी को भी ये खतरा करता है। दोस्तों आप ये देख सकते हैं, दोस्तों ये छेड़छाड़ का ही कमाल है। और नहीं तो नहीं दोस्तों, ये है दोस्तों, ये प्रिंटेड कोबरा है एक प्रकार से कह लिया जाए। दोस्तों इसी को नाग और इसी को कहीं कहीं पर फिटार, अलग अलग नामों से जानते हैं। दोस्तों ये स्थितियां बहुत कम देखने को मिलती है। डर की वजह से ये बीट कर देता है। वैसे इसकी काटने के बाद में दोस्तों 1 घंटे का टाइम होता है लोगों के पास में। और दोस्तों इसी के जस्ट बगल में आप ये देख सकते हैं, ये मंदिर भी है आस्था का, जिसे पवन स्थान बोला जाता है। वैसे दोस्तों इसके काटने पर कुछ होता नहीं, बस इंसान मर जाता है जैसे इलाज नहीं हुआ तो। चलिए दोस्तों इसको निकालते हैं। इस वीडियो को देखिए, गलती आप नहीं कीजिएगा, आप करेंगे दोस्तों आपके साथ हादसा हो सकता है। तो चलिए दोस्तों इसे बाहर ले बचिए दोस्तों। इन सांपों को बचाना इंसानों से और इंसानों को बचाना सांपों से, और इसी के साथ साथ दोस्तों अपने पर्यावरण के लिए भी ये बहुत ही ज़रूरी है, सेफ रखना इनका। सेफ ये रहेंगे दोस्तों तो इसी से हमारा पर्यावरण सेफ रहेगा। दोस्तों ये रात के अंधेरे में दिन के उजाले में निकलते हैं भोजन की तलाश में। इसका पसंदीदा भोजन चूहा है, और जैसे दोस्तों अगर ये चूहा नहीं पाता है तो बारिश के महीने में कभी कभी मेंढक भी खा लेता है। तो दोस्तों ये अपने पेट की खातिर जैसे इधर उधर भटकता है रात के अंधेरे में, दोस्तों इसी को निशाचर भी कहते हैं क्योंकि ये रात में ज़्यादा भ्रमण करता है। ये पैरों से दब जाता है दोस्तों तो इंसान को बाइट या काट लेता है। तो काटने के बाद दोस्तों जहाँ पर ये काटता है वहाँ पर सूजन हो जाती है और 2 दांत के निशान हो जाते हैं। बहुत तेज़ी से दर्द होता है। 30-40 घंटे के बाद, 30-40 मिनट के बाद आँखों से धुंधलापन दिखाई देता है, चक्कर आता है, उल्टियाँ भी होती है दोस्तों। और ऐसे में अगर आप सही स्थान पर नहीं पहुँच पाएंगे तो दोस्तों आपके साथ मालिक आपका रुक जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को आप देख के समझ सकते हैं, बगैर छेड़छाड़ के किसी को भी हादसा नहीं पहुंचा सकता है। दोस्तों इसे इंग्लिश में स्पेक्टिकल्ड कोबरा, दोस्तों इस वीडियो को देख के गलती आप नहीं कीजिएगा, आप करेंगे तो आपके साथ हादसा हो सकेगा। चलिए दोस्तों इसे पैक करते हैं और इस वीडियो को देख के काफी नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये काम दोस्तों एक एक्सपर्ट के लिए है। दोस्तों ये 5 किलो का डिब्बा है और ये सांप 200-300 ग्राम का है। तो इन्हीं सब बातों के साथ दोस्तों थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी वीडियो में जीव जंतुओं के साथ में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, बाय।